नमस्कार दोस्तों, तो मेरे चैनल लाइव टूल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके आपके सामने। इस बार वीडियो थोड़ा लेट हुआ, परंतु मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो सीरीज़ जारी रहेगी और आपको वीडियोस एक निश्चित समय के अंतराल में मिला करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल लाइव टूल्स को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो होप सभी लोग अच्छे होंगे और आज का वीडियो कुछ थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं बात करूंगा कुछ मिस्ट्री के बारे में। हाँ, तो आप लोगों में से बताइए कितने लोगों को मालूम है कि दशरथ जी की जो शादियाँ हुई थी वो कितनी शादियाँ हुई थी? जी, रानियों के बारे में पूछ रहा हूँ। दशरथ जी की कितनी रानियाँ थी? जाहिर सी बात है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने बोला होगा कि तीन रानियाँ थी, जिनमें श्री राम की माता कौशल्या और कैकेयी भरत की माता और सुमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता। जी, आपका जवाब सही है पर गलत भी। जी हाँ, आपका जवाब सही भी है और गलत भी। एक्चुअली राजा दशरथ की तीन रानियां नहीं थी, जबकि उनकी 353 रानियां थी। जी बिल्कुल सही सुना, 353। तो हुआ ऐसा कि उस समय जो परशुराम जी थे वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए पूरी धरती पे क्षत्रियों का नाश करने के लिए घूमा करते थे। मतलब कहीं भी उन्हें क्षत्रिय मिला तो वो बस मार डाला। परंतु उन्होंने ये भी प्रण किया था कि क्षत्रियों को तो मारूंगा, परंतु यदि कोई उस समय शादी कर रहा होगा या किसी क्षत्रिय की बीवी उनसे माफ़ी मांगेगी, उनके सामने दया की याचिका करेगी, तो वो उस क्षत्रिय को समय नहीं मांगेगा, उस क्षत्रिय को नहीं मारेगा। परंतु क्षत्रियों की बीवियाँ तो ऐसा नहीं करते हैं, वो माफ़ी कभी मांगती नहीं है और दया की भीख नहीं मांगती हैं, तो इस हिसाब से क्षत्रियों का बचना मुश्किल था। परंतु क्या हुआ कि उसी समय राजा दशरथ राज करते थे अयोध्या में, तो उन्होंने जब जब भी परशुराम जी आया करते थे उनके अयोध्या में मारने के लिए, तो उस समय बढ़िया वो अपने मंत्रियों से कहते थे बढ़िया इंतजाम किया जाए हमें एक नई शादी का। तो इस तरीके से उनको 350 शादी का इंतजाम कराना पड़ा और परशुराम जी के क्रोध से बचने के लिए। अच्छा, तो परशुराम जी बोलते थे अच्छा आप शादी कर रहे हो, कोई बात नहीं अभी नहीं मारूंगा मैं आपको। तो इस समय इस तरीके से उन्हें 350 शादियाँ करनी पड़ी। तो दोस्तों जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये जानकारी, क्या आप इस बात से पहले से परिचित थे या नहीं थे, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। धन्यवाद।